उस्मान अली हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे। वो विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का 2% थी। इसी के चलते टाइम मैगजीन ने 1937 में उनकी फोटो अपनी मैगजीन के कवर पेज पर लगाई। हैदराबाद के निजाम की संपत्ति का इसी बात से आकलन लगाया जा सकता है कि वो 5 करोड़ पाउंड की कीमत वाले शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार जितने बड़े एक हीरे को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। वहीं इस पैलेस में करीब 6,000 लोग काम किया करते थे, जिनमें से 38 लोग तो केवल मोमबत्ती स्टैंड की धूल ही साफ किया करते थे। इतना सब होने के बाद भी उस्मान अली बेहद साधारण किस्म का जीवन यापन करते थे। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक ही टोपी पहनकर और एक ही पुराना कंबल ओढ़कर गुजार दी। वहीं इनकी दरियादिली भी इस साधारण जीवन से ऊपर थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक मदद मांगने के तुरंत बाद बिना किसी देरी किए 1,00,000 रुपए का दान दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध जीत चुका था और पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारतीय इस जीत का जश्न अभी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि उनके सामने दूसरा खतरा चीन के रूप में खड़ा हो गया। तिब्बत को आजाद कराने के लिए चीन ने भारत को दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और युद्ध तक की धमकी दे डाली। ऐसे में भारत इस बात से चिंतित हो उठा। भारत कुछ दिन पहले ही एक भयावह युद्ध से गुजरा था। हालांकि युद्ध में हमारी जीत हुई थी, लेकिन पुनः एक और युद्ध उस पर थोपा जाना कहीं से भी उचित नहीं था। उधर चीन की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी और यहां सैनिकों के हाथ खाली थे। वहीं देश विभाजन का दर्द झेल रहा था और पाकिस्तान से युद्ध के चलते भारत सरकार के पास धन की कमी भी थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना की मदद के लिए भारतीय रक्षा कोष की स्थापना की। शास्त्री जी ने लोगों से सेना के लिए दान करने की अपील की। इस अपील ने लोगों को देश भावना से ओत प्रोत कर दिया और वो देश सेवा के लिए टूट पड़े। आम नागरिक जितना भी हो सकता था उसे दान करने में जुट गए। जिसके पास पैसा नहीं था वो कपड़े और भोजन दान कर रहा था। यहां तक कि लोग रक्तदान करने तक के लिए उमड़ पड़े ताकि सैनिकों के इलाज में मदद मिल सके। लेकिन उस समय ये सब युद्ध के लिए काफी नहीं था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो द्वारा लोगों और राज्य रजवाड़ों से देश के लिए मदद मांगी। शास्त्री जी के इस आह्वान को हैदराबाद में बैठे निजाम भी सुन रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले में मदद का मन बनाया और शास्त्री जी को दिल्ली से हैदराबाद आने का निमंत्रण भेज दिया। चूंकि सेना को तत्काल सहायता की जरूरत थी, इसलिए निमंत्रण मिलते ही बिना किसी देरी के लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद पहुंच गए। निजाम उस्मान अली ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। शास्त्री जी जानते थे कि हैदराबाद में उन्हें निराशा नहीं मिलेगी, इसलिए पीएम ने जल्द ही निजाम से बात की और उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराया। लेकिन उस्मान अली इसके लिए पहले ही तैयार थे। बिना एक सेकंड के सोचे निजाम मीर उस्मान अली ने अपना खजाना भारत की रक्षा के लिए खोल दिया और राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए 5 टन सोना देने का ऐलान कर दिया। उस्मान अली ने लोहे के बक्से एयरपोर्ट पर मंगवाए। पहले एक, फिर दो और देखते ही देखते कई बक्से पीएम के सामने रख दिए गए। उस्मान अली मुस्कुराए और बोले कि मैं ये 5 टन सोना भारत की रक्षा के लिए दान कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें और निडर होकर जंग लड़ें, हम जरूर जीतेंगे। इस तरह से शास्त्री जी 5 टन सोने से भरे बक्सों को अपने साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गए। इस घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची और धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में अखबार और रेडियो के माध्यम से फैल गई। हर किसी ने मीर उस्मान अली की दरियादिली की तारीफ की। यहां तक कि विदेशी मीडिया ने भी इस घटना को कवर किया। 1 साल गुजर गया और देश में हालात अब पहले से बेहतर थे। हालांकि निजाम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वो वापस अपने पैलेस में वही साधारण जीवन जीने लगे। लेकिन निजाम तो अपने लोहे के उन बक्सों को लेकर चिंतित थे जिनमें भरकर उन्होंने भारत सरकार को सोना दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री लेसन्स इन लीडरशिप में जिक्र किया है कि उस्मान अली की तबीयत खराब होने लगी तो लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें फोन करके हालचाल पूछा। इतने में निजाम ने अपने बक्सों की बात छेड़ दी और बोले कि शास्त्री जी, मैंने आपको जिन बक्सों में सोना दिया था वो मेरे पुरखों की निशानी है। यदि आपने सोना खाली कर लिया हो
तो वो बक्से मुझे लौटा दीजिए। यह सुनकर शास्त्री जी हंस पड़े और बोले, मैं उन्हें आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। इसके बाद भारत सरकार ने विधिवत तरीके से उनके पुश्तैनी लोहे के बक्से लौटा दिए। यह ऐतिहासिक दान देने के कुछ साल बाद 24 फरवरी 1967 को मीर उस्मान अली का देहांत हो गया और वो सदा के लिए इस धरती से विदा हो गए। हैदराबाद के निजाम द्वारा किया गया यह ऐतिहासिक सहयोग भारत के इतिहास में खास है। इस सोने की वर्तमान कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए बैठती है। ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी सहायता आज तक इतिहास में किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा एक मुश्त नहीं की गई। आप इस दिलचस्प